उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के आखिरी चरण का चुनाव 13 सीट पर होना है, जिसके चलते सभी पार्टियां अपनी पूरी तैयारी में जुटी हैं। वहीं अगर हॉट सीट की बात करें तो वाराणसी से लोकसभा सीट के बीजेपी कैंडिडेट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय मैदान में है। इस हिसाब से पूर्वांचल का चुनाव अहम माना जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी, अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होने जा रहा है और नतीजे 4 जून को आए। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा था, तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने 80 सीटें जीतने का प्यार दिया है। ये 4 जून को साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटें जीतने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर तीसरी बार भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी अखिलेश यादव वाराणसी में जो उन्होंने बयान दिया है कि अभी तक हम 80 जीत रहे थे, लेकिन अब ये भी बना 40 सीट जीत रहे, इस पर क्या? देखिए, वो राजनीति कम कर रहे हैं, मस्करीपन ज्यादा कर रहे हैं। जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं उनसे अपने हल्कापन दिख रहा है। उनके पास सभी सीटों पर लड़ने के लिए कैंडिडेट भी नहीं है। जो गठबंधन है वो अस्थायी है, कभी बनता है कभी बिगड़ता है, तो उनके पास न जनता से जुड़े मुद्दे हैं न जनता को उनको भरोसा है, जनता उनको नकार चुकी है। देखिए, अंतिम चरण में जो 13 सीटें उत्तर प्रदेश में जो मतदान होने जा रहा है, तो इंडिया अलायंस को पूर्णता समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर पे मैं बनारस खुद रहा, बनारस में मैंने देखा कि जिस तरह से मोदी जी ने बनारस में 14 और 19 में झूठ बोलने का काम किया, उन्होंने कहा कि आप हमें जिताइए, हम बनारस को क्वेटो बना देंगे। निश्चित तौर पे आज बनारस के हाल बस से बदतर हो चुका है। जो वहां की घाटे थी उनका कोई मरम्मत नहीं हुआ, और निश्चित तौर पे गंगा जी में जिस तरह से गाय की लाश बह रही है, इससे देखा जा सकता है कि बनारस जो है वो बदहाल हो चुका है। और बनारस में हमारे जो प्रत्याशी अजय राय जी हैं वो लगातार जनता के बीच में हैं। अभी 2 दिन पहले जो इंडिया अलायंस की रैली हुई, जिसमें अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी शामिल हुए, उसमें अपार जो समर्थन उन्हें मिला, उससे ये माना जा सकता है कि इंडिया अलायंस अजय राय जी मोदी जी के सामने मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की लड़ाई अपने अंतिम चरण में है, 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होना है। इन 13 सीटों पर जो लड़ाई है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, और जो दिग्गज हैं वो सभी चुनावी मैदान में अपना प्रचार प्रसार करके जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात अहम होगी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो लड़ाई शुरू हुई थी वो पूर्वांचल में आकर खत्म होगी। कैमरामैन आदित्य के साथ रेहान वारसी, MKN न्यूज, लखनऊ।